मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 14 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 18 नवंबर 2020 की है। तो ये शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। बेटा, 2 दिन की वर्कशीट में आप लोगों की नहीं बना पाई थी, उसके लिए मैं आप सब बच्चों से सॉरी बोल रही हूँ, और अब से आपकी वर्कशीट ऐसे ही कंटिन्यू हो, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड, एसिड आर द केमिकल कंपाउंड दैट हैज सॉल्ट टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। क्या कहा जाए कि जो एसिड है वो क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड है जो कैसे होते हैं, टेस्ट में सॉर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं, एंड इट्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। दे आर यूजफुल अस टू इन मेनी वे। एसिड आर एसिडिक इन नेचर। एसिड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। आर स्टमक मेक एन एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। देखो क्या कह रहे हैं कि हमारे स्टमक में क्या होता है, हमारे स्टमक में क्या करता है, एक एसिड बनाता है, HCl, इसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो क्या करता है, हमारे फूड की डाइजेशन के लिए, जो भी हम खाना खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सम ऑफ द एसिड आफ्टर इन नेचर लाइक, कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो नेचर में मिलते हैं, जैसे कि एप्पल, लेमन, ऑरेंज, टमाटो, इनके अंदर क्या होता है, एसिड मिलता है। वेयर कर्ड, सॉफ्ट ड्रिंक, वेनेगर, सम एग्जाम्पल दैट मैन मेड सब्सटेंस कंटेनिंग एसिड। और कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जैसे कि वेनेगर, कर्ड, सॉफ्ट, ये क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। ये नेक्स्ट देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर द कॉमनली नोन एज द एसिड दैट आर यूज इन वेरियस फील्ड। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे हैं जो क्या होते हैं, कॉमनली जो अलग अलग फील्ड्स में और जैसे हम फैक्ट्रीज में ये सब यूज़ किए जाते हैं। एक बार फिर देखते हैं, एसिड क्या है, टेस्ट में कैसा होता है, सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं, लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड। इसके अलावा देखो क्या कहा जाता है कि ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में मिलता है, जो क्या करता है, जो हमारे फूड के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा कुछ नेचुरल एसिड्स होते हैं, जैसे कि एप्पल, लेमन, ऑरेंज, और कुछ होते हैं मैन मेड एसिड्स होते हैं। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे एसिड हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे अलग अलग फील्ड में इनका यूज़ किया जाता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं एसिड के, जैसे कि एसिटिक एसिड, वेनेगर, फॉर्मिक एसिड, हॉर्नस्टिंग, जो चींटी का डंक होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट, जैसे कि लाइक, ऑरेंज, लेमन में जो एसिड मिलता है वो कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड कर्ड में मिलता है, बेटा दही के अंदर कौन सा एसिड मिलता है, लैक्टिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड किसमें मिलता है, स्पिंच में, पालक जो होती है उसमें कौन सा एसिड मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, सिट्रस फ्रूट्स में। इसके अलावा टार्ट्रिक एसिड किसमें मिलता है, ग्रेप्स में, अनराइप मैंगोज में, कच्चे आम जो होते हैं उनके अंदर कौन सा मिलता है, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट है बेस। अभी हमने एसिड किया, अब हम बढ़ते हैं बेस। बेस आर बिटर इन टेस्ट, सॉफ्ट टू टच एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ब्लू जब क्या कह रहा है कि जो बेस है वो टेस्ट में बिटर होता है, मतलब थोड़े कड़वे होते हैं, और सॉफ्ट टू टच मतलब कि जैसे टच करते हैं तो चिकना चिकना यहाँ पे फील होता है। जब आप उसको हाथ से टच करेंगे किसी बेस को तो चिकना चिकना आपको फील होगा, जैसे कि सॉफ्ट होती है। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में। दे आर बेसिक इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द बेसिक। एग्जाम्पल दिए गए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर द सम कॉमन बेसिस विच आर यूज इन वेरियस फील्ड। ये कहाँ पे होते हैं, जैसे कि हमने एसिड में देखा था कि कुछ एसिड्स ऐसे हैं जिनको हम अलग अलग फील्ड में यूज करते हैं, इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम वेरियस फील्ड में यूज किया जाता है। सो डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट आर द सम बेसिस दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में जिनको यूज किया जाता है, सो डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर एंड टूथपेस्ट, इनको हम, ये ऐसे बेस हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इफ वी रब अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा बिटवीन आवर फिंगर इट फील्स सॉफ्ट टू टच। अगर आप अपने घर में बेकिंग सोडा है तो उसे थोड़ा सा अपने फिंगर के बीच में टच करके देखिएगा, आपको सॉफ्टी सा फील होगा, मतलब चिकना चिकना फील होगा, जैसे कि आप जब सॉफ्ट को टच करते हैं। तो इससे क्या पता चला कि ये जो बेकिंग सोडा है क्या है बच्चे, ये एक बेस है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, ये क्या है, बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
विंडो क्लीनर जो आप विंडो को क्लीन करते हैं बेटा, विंडो को या किसी भी ग्लास को क्लीन करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। ये याद रखना होगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, नेम टू ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक एसिड्स के आपको यहाँ पे नाम बताने हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या दिया गया। देखो क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ये सब क्या है, नेचुरल है ना बेटा, जो नेचर ने हमको दिया है हमें उनके बारे में बताना है। तो देखो कौन सा हो जाएगा, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, कुछ भी लिख दीजिएगा। क्योंकि ये देखो फूड्स हमें सब कहाँ से मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं ना, तो इनमें से आप कोई भी दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देंगे तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट, विच एसिड इज प्रोड्यूस इन आर स्टमक, हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है। अभी हम कर चुके हैं इसको बहुत अच्छे से, देखो ये रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक, विच इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ये भी आप लिख सकते हैं और अच्छा लगेगा आपका, कि अभी आपको इतना भी बताया कि HCl कहाँ यूज होता है, हमारे स्टमक में बनता है और क्या करता है, हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि वन कनेक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एसिड्स, एसिड्स की हमें प्रॉपर्टीज बतानी है। तो हम समझ चुके हैं इसको बहुत अच्छे से, तो ये है आंसर नंबर 3। एसिड आर केमिकल कंपाउंड दैट है और सॉल्ट एसिड एंड टर्न ब्लू लिक्विड टू रेड, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड का आंसर बेटा। अब हम करते हैं आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राइट वन करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल बेसिस, इसकी प्रॉपर्टीज बताइए। यहाँ पे दिया गया आंसर नंबर 4, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट सोपी टू टच एंड टर्न रेड लिक्विड टू ब्लू, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक एंड विच आर द बेसिक। तो आइए पहले हम लेते हैं एसिडिक, कौन कौन से एसिडिक हैं। देखिए सबसे पहले आएगा लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या है बेटा, बेस। तो वेनेगर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, एसिडिक आ जाएगा। स्टमक जूस कैसा आ जाएगा आपका, एसिडिक आ जाएगा। स्टमक जूस मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाएगा आपका, एसिडिक। लेमन जूस कैसा हो जाएगा आपका, एसिडिक। अब हम देखते हैं बेस का, अब हम देखते हैं बेसिक नेचर का कौन कौन सा है। तो सबसे पहले लाइम वाटर क्या हो जाएगा बेटा, बेसिक। टूथपेस्ट क्या हो जाएगा आपका, बेसिक। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बेकिंग। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग बेसिस। और इसके अलावा अमोनियम सॉल्यूशन, ये भी क्या हो जाएगा आपका, बेसिस। तो हमने देखा जो ब्लू कलर के हैं बेटा वो क्या है, बेस है, और जो रेड कलर के हैं वेनेगर, स्टमक जूसेस एंड लेमन जूसेस, ये क्या हो जाएगा आपका, एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके बच्चे अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।